हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में भारी बरसात शुरू हो गई है। सुबह से हो रही बरसात से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह जलभराव से लोगों के घरों और दुकानों के भीतर तक पानी घुस गया। नगर निगम के नाले और नहर सफाई के दावों की पोल खुल गई है। लोगों को इस बारिश में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल जिले में अगले 24 घंटे बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ने आज जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी की है। देखिए, पानी जो अभी तेजी से आया है उसमें कई दमोडुंगा क्षेत्र है और पंचकी चौराहा है, गोरखपुर मल्ला है, बद्रीपुरा कॉलोनी है, इन सब क्षेत्रों में बहुत जलभराव हो गया है। काफी लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लगातार टीम सक्रिय है और देख रही है कहाँ कहाँ भी जलभराव, उसके लिए क्या क्या आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं। सर, चुरगलिया क्षेत्र हो या लाल कुआं का श्रीलंका टापू, वहाँ भी बारिश की स्थिति है, वहाँ क्या हालात है? अभी देखिए, गोला में 700 क्यूसेक पानी चल रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो वो पानी बहुत ज्यादा नहीं है। तो अभी श्रीलंका टापू में और गोला क्षेत्र में बहुत दिक्कत की बात नहीं हुई है, शहरी क्षेत्रों में जलभराव के कारण थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई है। सर, क्या निर्देश है आप लोगों को उच्च अधिकारी की तरफ से? लगातार क्षेत्र में बने रहें, कहीं किसी भी विभाग की आवश्यकता हो उस विभाग का सहयोग लेकर जो भी तत्काल कार्य कराए जाने हो, राहत पहुंचाई जानी हो, उसको राहत पहुंचाई जाए। बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए SDRF और आपदा प्रबंधन टीम को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा भूस्खलन वाली जगहों को चिन्हित कर JCB तैनात की गई है। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए हल्द्वानी से जफर अंसारी की रिपोर्ट।